हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक राशिफल के ऊपर वीडियो शेयर किया था, उसमें मुझे बहुत ऐसे कमेंट आ रहा है, तो मैं उस कमेंट को आज आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। आपको मैं ऐसे दो राशियों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इस साल में पुत्र प्राप्ति का उनका जो चांसेस है बहुत हद तक बनता है अन्य राशियों के तुलना में। देखिए दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बहुत सारी से राशियों के बारे में बात किया था, लेकिन आज मैं सिर्फ दो राशियों के बारे में बात करने वाली हूँ। दो राशि अगर आपका है, इसका मतलब आपने एक पुत्र प्राप्ति करने का चांसेस बहुत हद तक बन रहा है। दोस्तों, सबसे जो पहला राशि है, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला राशि है मेष राशि। दोस्तों, 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेष राशियों में बहुत हद तक चांसेस बन रहा है पुत्र प्राप्ति का। दूसरा जो राशि है दोस्तों, वो है मीन राशि। मीन राशि में भी बहुत हद तक चांसेस बन रहा है पुत्र प्राप्ति का 2021 में। दोस्तों, अभी मैं सबसे बड़ा जो डाउट है वो आपका क्लियर कर देती हूँ, जो कि आप लोग हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करते हैं, वो है दोस्तों, राशिफल किसका होना चाहिए। दोस्तों, राशिफल जो है वो गर्भवती महिला का होना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देख के प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाइए। लड़का लड़की दोनों ही आपके बच्चे हैं, दोनों ही आपकी संतान है, दोनों को उतना ही प्यार, दोनों को उतना ही स्नेह दीजिए। बाकी वीडियो देख के प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाइए। दोस्तों, लड़का लड़की होना वो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड रहता है, वो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा जो फल है वो आपका होता है। इसके लिए उस पर कोई प्लीज़ भेदभाव ना रखिए। ये जो वीडियोस है वो जेंडर प्रेडिक्शन का है, वो फन की ओर से देखिए। जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ है उसको एन्जॉयफुल करने की, उसको यादगार रखने के लिए ये सब वीडियोज़ को देखिए। बाकी वीडियो देख के कोई गलत कदम ना उठाइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।